दोस्तों यहाँ पर पानी के अंदर भी आप देख सकते हैं, आपको जो रेल की पटरी है वो नज़र आ जाएगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, पानी के अंदर से ये देखो पत्थर के नीचे से निकल के जा रही है रेल की पटरी। दोस्तों अब तो ये उखड़ चुकी है, काफ़ी प्राचीन है, और देख सकते हैं ये इधर से हरकी पौड़ी स्थल पर है, और सामने आप देख सकते हैं भगवान शिव की मूर्ति, इसी स्थान पर आपको ये रेल की पटरी दिखाई देगी। दोस्तों इस स्थान पर यहाँ से ऐसे पुल बने हुए थे जो कि अभी तोड़ दिए गए हैं। एक पुल इधर था और एक पुल यहाँ पर था, दोनों पुल तोड़ दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीरज नंबर वन चैनल में, और मैं इस समय हूँ माँ गंगा के तट पर, हर की पौड़ी पर। मेरे पीछे आप देखते हैं हर की पौड़ी का सुंदर दृश्य। दोस्तों यह है धनुष पुल, और यहाँ से आप सुंदर हर की पौड़ी का वो सामने है गंगा माँ की मूर्ति, और वो सामने है भगवान शिव। दोस्तों जब इधर सारे में जल ज़्यादा हो जाता है तो इसी डैम से इस जल को बाहर निकाला जाता है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं दोस्तों मैं इस समय गंगा के बीच में हूँ, और यहाँ से ये जल उस डैम के द्वारा बाहर जा रहा है, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सभी श्रद्धालु इसी स्थान पर आ रहे हैं और यहीं पर स्नान कर रहे हैं माँ गंगा के घाटों पर आकर। दोस्तों यहाँ पर पहले दूर तक का देखना मुश्किल था, लेकिन जब से ये पुल हटे हैं आप देख सकते हैं कि अब आप दूर तक यहाँ पर देख सकते हैं, और यहीं से आप देख सकते हैं भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी आपको यहाँ पर सामने नज़र आ रही होगी, देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो गंगा में जल की मात्रा है थोड़ी थोड़ी खोल दी गई है, ये देख सकते हैं सामने हर की पौड़ी का सुंदर दृश्य, ये देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अंग्रेजों के ज़माने की रेल की लाइन है, ये देख सकते हैं मेरे सामने। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अंग्रेजों के ज़माने की रेल की लाइन है जो बुलडोजर द्वारा उखाड़ दी गई है, और ये स्थान है हर की पौड़ी का। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर यहां जेसीबी द्वारा निकाले जा रहे हैं, और ये इस समय मैं गंगा के बीच में खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर ये जेसीबी द्वारा निकाले जा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों।